Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी द्वारा कथित शराब घोटाले मामले में दायर की गई सातवीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है और कोर्ट के द्वारा ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद एक बार फिर से दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर दी है। अरविंद केजरीवाल को यूं तो ईडी ने 21 मार्च 2024 को कथित शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया था और ईडी के बाद सीबीआई ने भी अरविंद केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार कर लिया इसी मामले में। और जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तब से बीजेपी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन अब जब कोर्ट ने ईडी की सातवीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया और अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का समन भेजा है, तब दोबारा से दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। दिल्ली बीजेपी के ऑफिशियल एक्स हैंडल, जिसे हम ट्विटर भी कहते हैं, वहां पर एक पोस्ट किया गया है। उस पोस्ट में क्या लिखा गया है वो आपको बताते हैं। इस पोस्ट में लिखा गया है कि हालांकि अरविंद केजरीवाल को उनकी सरकार का नाम जब पहली बार शराब घोटाले में आया था तब ही नैतिक साहस दिखाकर इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन अदालत के संज्ञान और समन के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं बचा है। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, हमारी सीधी सी मांग है, इस सरकार को अब दिल्ली में रहने का अधिकार नहीं है। ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया। तुरंत आम आदमी पार्टी को इस्तीफा देना चाहिए। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर बिल्कुल अरविंद केजरीवाल को तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये जेल से सरकार नहीं चला रहे, ये जेल से भी लूट रहे। इनका तो स्लोगन होना चाहिए कि जेल से भी लूटेंगे। तो वीरेंद्र सचदेवा ने साफ तौर पर कोर्ट का जिक्र किया है। जी हाँ, राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी द्वारा दायर की गई सातवीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया है और अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने के लिए समन इशू किया है। अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को कोर्ट में पेश होना है और अरविंद केजरीवाल के अलावा बाकी अन्य आरोपियों को भी 12 जुलाई को कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट ने समन इशू किया है और कोर्ट के इसी संज्ञान और समन को लेकर वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि उन्हें पहले ही नैतिक साहस दिखाकर इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन अब जब कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया है और समन भेज दिया है अरविंद केजरीवाल को, तो अब अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। खैर, बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रही है, बार बार ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं बनता क्योंकि वो जेल में है, सलाखों के पीछे हैं। वहीं बीजेपी की इस मांग पर आम आदमी पार्टी के नेताओं से लेकर खुद अरविंद केजरीवाल की ओर से ये जवाब दिया गया कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल खुद ये कहते हैं कि क्योंकि दिल्ली में बीजेपी जीत नहीं पाती, आम आदमी पार्टी को हरा नहीं पाती, इसलिए चोर दरवाजे से वो दिल्ली की सत्ता को जो है हथियाना चाहते हैं, लेकिन वो इस्तीफा नहीं देंगे। तो आम आदमी पार्टी से लेकर नेताओं तक और खुद अरविंद केजरीवाल ये कह चुके हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन बीजेपी अरविंद केजरीवाल से उनके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा चाहती है। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर को लेकर? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।